रूरल हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आए, ये मेरा बेसिकली एक बिगर मोटिव है कि ये होना चाहिए ऐसे मेरे को लगता है। व्हाई गुड पीपल नीड टू कम इन रूरल हेल्थ केयर सेटअप। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मेडिसिन में वी हैव लाइक 25 डिजीज जिसका ट्रीटमेंट अपने को पता है, बाकी सब होमवर्क ये सोच में। फिर बोला नहीं ठीक है, जाते हैं दोस्त को मिलते हैं, मिल लेंगे, ट्राई कर लेंगे, इंसुलेट करके रहेंगे और फिर बाद में आके पढ़ लेंगे। कोशिश नहीं सोशल सेक्टर बोलो या फिर अल्टरनेटिव ये बोलो ऑप्शन, तो फर्स्ट बिकी मैं उसको आई लुक एट इट एज एन अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, मतलब मैं मतलब क्या है, मैं मतलब क्या है, मतलब तुमने ना ही तुम्हारा वर्क चूज किया कि यू गॉट बर्थ इन अ गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो तुमने चूज नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे थे ये चूज नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में डाला ये नहीं चूज किया, सबको स्टोरीज चाहिए होती है, एवरीबॉडी वांट लाइक स्टोरीज। कॉलेज में मेरी लाइफ ऐसी थी, मतलब जो कहते हैं ना जब पढ़ाई करने वाले जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, या फिर मतलब जो टॉपर नहीं रहते हैं पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। रैंक में कभी नहीं आएंगे लेकिन नीट में अपन निकालेंगे बस। तो ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट नीट क्रैक करने वाली गैंग का मैं लीडर था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी था मैं एक साल के, तो उसमें भी अच्छा काम किया था, लेकिन बस बेसिकली पढ़ाई छोड़ के और कुछ नहीं करता था कॉलेज में। और लेकिन मतलब था कि एक समहाउ से लगता था कि सब बस बोर होता था कि ऐसे ठीक है कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे थे मैं भी कर रहा हूँ, यही स्टोरी था उस टाइम कॉलेज में। तो बस फिर ये मेरे बैकग्राउंड कुछ है, तो फिर नेक्स्ट है कि मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मतलब मेरा ये करने के पीछे का एम ये है कि रूरल हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आए, ये मेरा बेसिकली एक बिगर मोटिव है कि ये होना चाहिए ऐसे मेरे को लगता है। तो उसके पीछे दो रीजन है कि क्यों हो सक क्यों होना चाहिए, तो ये लार्जर रीज़न है और एक पर्सनल रीज़न है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम लार्जर रीज़न, पर्सनली इतना कुछ स्टोरी नहीं, लार्जर रीज़न पे है कि व्हाई गुड पीपल नीड टू कम इन रूरल हेल्थ केयर सेटअप। तो उसके लिए मैं आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी, मतलब एक रिसेंटली लास्ट 2-3 डेज पहले ही हुई हुई स्टोरी है। तो एक यहाँ से एक छोटा सा ट्राइबल विलेज है हेटी नाम का, मतलब काफ़ी छोटा है, मतलब एकदम ट्राइबल पॉपुलेशन मेजोरिटी वाला हेटी। तो हेटी से एक पेशेंट आया था परसों, तो वो उसको मतलब वो आया था, वो पुराने पेपर्स लेके आया था कि सब जगह घूम घूम के आया था, और मतलब पहले वो हेटी से गया था गढ़चिरौली, गढ़चिरौली में एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास दिखाया उसको, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको ऐसे पेन इन एब्डोमेन ऐसे करने के था, तो उसको उसने रेफर किया जनरल हॉस्पिटल गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली वालों को भी कुछ नहीं पता चला, उन्होंने उसका सोनोग्राफी वगैरह किया किडनी का, उसको बेसिकली फेशियल पफिनेस था, इतना ही उसको कॉम्प्लेक्स था और कुछ नहीं था, और पेन इन ऐसे एब्डोमेन, तो उनको भी नहीं समझा। तो उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब ऐसे सोनोग्राफी वगैरह फिर छोटे मोटे कैलकुलर निकाले ऐसे वैसे हुआ एंटीबॉडीज, उसमें उन्होंने रेफर किया नागपुर, तो जीएमसी नागपुर में भी सुपर स्पेशलिटी नागपुर, वो सुपर स्पेशलिटी में गया, सुपर स्पेशलिटी में भी किसने लिखा पता नहीं, उसके इसके लिखा था बायलैटरल क्लिनिकल कैलकुलस, और फिर उसको सीटी एब्डोमेन किया था, उसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए थे, उसको नॉर्फॉक्स देके भेज दिया 15 डेज का रस्ते। और फिर वो आया था इधर, फिर उस टाइम क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सेटअप ऐसा है कि जब पेशेंट आता है तो उसकी बेसिक हिस्ट्री उसके वर्ड्स में हमारे के स्टाफ लेती है, सिस्टर्स जो रहती है वो बेसिक हिस्ट्री लेती है। तो मैं ऑन कॉल था तो मैं इधर उधर भाग रहा था, तो साफ ने उसका सिस्टर से लिया, और फिर जस्ट जाते जाते मैं से भाग रहा था, तो सिस्टर ने दादा रुको 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 नेफ्रोटिक का पेशेंट है इसको देख के जा। तो मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये है पेशेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है डिस करने का, मतलब 1 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट आ रहा है कि बच्चू है फिर पॉफिनेस है पाम हाउस कुछ है, तो नेफ्रोटिक इज द मोस्ट ईजी डायग्नोसिस टू मेक। लेकिन वो पेशेंट हेटी से गढ़चिरौली, गढ़चिरौली से जनरल हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिटी गया, किसी ने सस्पेक्ट भी नहीं किया, मतलब ऐसे नहीं कि डायग्नोस नहीं हुआ, किसी ने उसको सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक करने की कोशिश नहीं की, मतलब ये नहीं बोल रहा कि जनरल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खराब है, मतलब वहाँ ऑफ कोर्स द बेस्ट सेंट्रल इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन
वहाँ पे पता नहीं किसने देखा, इंटर्न ने देखा रहेगा या फिर जूनियर रेजिडेंट ने देखा रहेगा जिसका फर्स्ट डे होगा, पता नहीं क्या। तो लेकिन उसको इतना कॉमन ये है जो डायग्नोसिस शुड मस्ट होना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी आप देखोगे कि एक हेटी का पेशेंट, एक तो ट्राइबल पेशेंट पहले गाँव से बाहर नहीं आते, हेटी का पेशेंट एक तो आया गर्चुअल में दिखाने में, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर उसका चांसेस ऑलरेडी कम है, फिर वो जनरल हॉस्पिटल गया और उसके चांसेस और कम है, और नागपुर जाना तो भूल जाओ, तो वो कभी नहीं होता कि कोई पेशेंट गर्चुअल सामने रेफर किया और नागपुर गया, तो ये पेशेंट नागपुर भी गया और फिर नागपुर जाके उसको अच्छा केयर मिलेगा, इसके मतलब अपन प्रोबेबिलिटीज का लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज से उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कितना रेयर इवेंट है कि एक हेटी का पेशेंट नागपुर पहुंचा और फिर वहाँ जाके उसको इंटरनेट देखा है, तो किसने भी देखा पता नहीं जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ सस्पेक्टिंग, तो मतलब इतना और सर उसे सीवियरली स्टैक्ड अगेंस्ट दिस पीपल, मतलब इतना बुरा है हालत, और फिर अपन बेसिकली अपना अप्रोच यही है कि मतलब अपना मतलब लार्जली मतलब मेरा भी था कि इसे जल्दी ये करो, कंस्ट्रक्शन करो, ये करो, फिर टर्शियरी केयर सेटअप में सेटल होने की कोशिश करो या फिर मेरा जॉब इन सिटी या फिर सुपर 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 स्पेशलाइज, मतलब क्या करना है नेफ्रोटिक्स एकदम डायग्नोस करने के लिए यू डोंट नीड अ सुपर स्पेशलिस्ट, यू नीड अ एमबीबीएस गाय, एमबीबीएस गाय की भी जरूरत नहीं, हमारे सिस्टर ने डायग्नोस कर, मतलब बाद में किया इन्वेस्टिगेशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल किया, सीरम प्रोटीन किया, दैट्स इट, दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस, हो गया डायग्नोसिस, नेफ्रोटिक्स में तो सिस्टर ने किया, मतलब इतना ओवरवर्क है, इतना अंडर क्या बोले पता नहीं, अंडर एम्पथी है पता नहीं, लेकिन वहाँ जाके डायग्नोसिस नहीं हो रहा है विच आइडियली शुड हैव हैपेंड इन गर्चुअल इटसेल्फ, मतलब गर्चुअल की प्राइवेट प्रैक्टिशनर तो है ये सर, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो गया डायग्नोसिस, तो इतना है, सो दिस इज अ स्टार्क पिक्चर कि कितना बुरा है कंडीशन, इट इज रियली बैड, तो वो पता मेरे को लगा कि बहुत ज़रूरी है। तो और एक रीज़न मेरे को लगता है कि मतलब जैसे हम बाई एंड लार्ज सबको सिटीज में सेटल होना होता है या फिर अर्बन हेल्थ केयर में जाना होता है, तो अर्बन के जो पॉपुलेशन है मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पीपल होते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल होते हैं, मतलब उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में 10 ऑप्शन में आपके पास वो चूज करके आएंगे, फिर उसके लिए झगड़ा पेशेंट चाहिए, पेशेंट चाहिए, पेशेंट चाहिए, उससे अच्छा जहाँ रूरल पे इतने सिंपल प्रॉब्लम से सिंपल पेशेंट्स है लेकिन उनके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो दे नीड मोर ऑफ योर एक्सपर्टीज, नॉट कि सिटी के कॉम्प्लेक्स पीपल का सिंपल सोल्यूशन निकालने के लिए यू नीड योर ब्रेन्स, आवर ब्रेन्स शुड बी फोकस ऑन इतने जो 68% पॉपुलेशन इंडिया के रूरल में रहती है, उनके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में वी शुड बी पुटिंग आवर ब्रेन्स रादर देन मतलब मिसप्लेस्ड इंटेलेक्ट जैसे हो जाए अपन कहीं पर अपना वेस्ट कर रहे हैं अपना ब्रेन ऐसे हो जाए, फिर वही है कि मोर बेटर पीपल शुड कम इन टू द पेरिफेरी, मतलब ये पूरे चेन ऑफ हायरार्की में कोई भी एक भी डिसेंट हाफ डिसेंट डॉक्टर भी होगा तो वो डायग्नोस कर लेता, मतलब सस्पेक्ट भी कर लेता, मैं डायग्नोस भी नहीं बोला कि सस्पेक्ट भी कर लेता तो भी हो जाता, सस्पेक्ट भी नहीं किया उसने, तो ऐसे ऐसे होना चाहिए लगता है। तो और एक मेरा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हुआ है लास्ट 5-6 मंथ्स में वो है कि मेडिसिन बाय एंड लार्ज में उसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं होता, मतलब मेडिसिन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये तो आपने सबको पता है कि इसे कोई एग्जैक्ट नहीं होता, कट टू कट नहीं होता कि ये डिसीज को ये दवाई मतलब ये आउटकम उसे कभी नहीं होता, तो ये सब अपने को सिर्फ पता था, लेकिन मैं जब एक्चुअल प्रैक्टिस में गया, जब मैं आया सारे लोगों आफ्टर पेशेंट, फिर मेरे को सीरियस हुआ कि दैट इज सच अ लार्ज रियलिटी ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन ये उसका बहुत बड़ा रियलिटी ये है कि अपने को कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट एज अ पेशेंट आया है उसको डिसीज हुआ है जस्ट से यू टू गिव हिम सपोर्ट, जो उसका टेंश है मतलब वो उसके लाइफ उसने इज कमिंग टू इज लोएस्ट पॉइंट, उसको सिर्फ उधर से उभारना है, बाकी बॉडी विल हील इटसेल्फ, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर मी कि यू डोंट हैव टू डू अ लॉट, यू जस्ट हैव टू सिम्प्टोमेटिकली मैनेज द पेशेंट एंड जस्ट प्रे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोला कि सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है, सब जगह ऐसे ही होते हैं, मतलब क्या देते हैं काफी किडनी इंजरी के पेशेंट को हम क्या देते हैं, लैसिक्स देते हैं, लैसिक्स मतलब क्या यूरिया निकाल दो बॉडी से, मतलब पानी दो किडनी को काम खराब कर, हाई होप करके किडनी कुछ हील होगी, हार्ट फेलियर में क्या करते हैं लैसिक दो पानी निकालो और फिर हार्ट का लोड कम करो, प्री लोड कम करो, आफ्टर लोड कम करो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाओ, बेसिकली होप करो कि बॉडी हील करे खुद को, तो लार्ज पोर्शन ऑफ मेडिसिन ऐसे ही है, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मेडिसिन में वी हैव लाइक 25 डिजीज जिसका ट्रीटमेंट अपने को पता है, बाकी सब होमवर्क ये सो है, तो इट इज ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मतलब मेरे को ये जब समझा इट वॉज अ वेरी माइंड ओपनिंग एक्सपीरियंस होगा कि ये समझना कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो मेडिसिन इज बाय लार्ज स्केल उसका सिर्फ हीलिंग और उसको हेल्प करना, मतलब उसके
सफर जिसको बोलते सफर मतलब समथिंग विच हेल्प्स यू इन योर डीप इन योर पैरिस मोमेंट्स को वो मोमेंट्स में हेल्प करना है बाकी खुद बॉडी हील करें तो जो बेसिकली ये रहता है लोगों को तो मैं मेरे को था कि मैं कैसे करूँगा मेरे को एमबीबीएस में कुछ नहीं सिखाया कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता तो नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज इतने सारे क्वैक्स क्यों सक्सीड करते हैं इतना जरूरत है ही नहीं यू हैव टू बी यू टू जस्ट बी एम्पैथेटिक दो शब्द अच्छे से बोलो पेशेंट हील होगा कुछ सही में ऐसा है क्वैक्स क्यों इतने सारे क्वैक्स सक्सीड क्यों करते हैं मतलब अपनी गाली देते हैं उनको बट वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम कि क्यों मतलब हाँ दो अच्छे सब बोलो बेसिक जो मेडिकेशन वो दो वो नहीं भी दो ठीक होगा पेशेंट तो ये एक बाय लार्ज ये पिक्चर है ऐसे मेरे को लगता है कि दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल शुड गो इनटू गूगल हेल्थ केयर रादर देन हेल्थ केयर तो अब मेरी गल वन टू माई पर्सनल स्टोरी मेरी पर्सनल स्टोरी ऐसे है कि मतलब मैं जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो मेरा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन वॉज कि ये दिसंबर में यही क्रैक करना है बस तो पहले फर्स्ट इंटर्नशिप चालू हुई मैं आया था फर्स्ट कैंप में निर्माण में तो निर्माण में पता है ऐसे 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 है तो मतलब बेसिक ये तो था एक्सपोजर तो था पता था ऐसे है लेकिन मतलब मैं सक्सेसफुल था टू टू गेट रीड ऑफ ऑल दोस कि मतलब हाँ ये सब डिस्ट्रैक्शन है अपने को लीड करना है तो छः महीने तक तो मैं सक्सेसफुल था आई वॉज लाइक पढ़ाई करना तो जितना स्किप कर सकता था इंटर्नशिप उतना किया पूरा पढ़ाई किया फिर छः महीने बाद वापस आया कैंप में उस टाइम पे भी लग रहा था कि अगर कैंप जाऊँगा तो कुछ हो जाएगा दस दिन में और कुछ बदल जाएगा नहीं जाना चाहिए तो फिर बोला नहीं ठीक है जाते हैं दोस्त को मिलते हैं मिल लेंगे ट्राई कर लेंगे इंसुलेट करके रहेंगे और फिर बाद में आके पढ़ लेंगे तो ऐसा था दो दिन तो फिर उसके वो क्या हुआ वो जर्नी में आपको बताऊंगा तो छह दस महीने के बाद जो आगे के छह महीने थे जब मैंने डिसाइड किया तो मेरे को कोई भी डिसीजन लेने में आई टेक अ लॉट टाइम तो मेरे को बहुत टाइम लगता है ऐसे डिसाइड करके 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 बट इवेंचुअली जब मैं डिसीजन लेता हूँ तो आई डोंट क्वेश्चन इट अबाउट तो ऐसे उस वो स्टोरी आई टेल यू तो उसमें कि व्हाई क्यों कर क्यों मैंने करना की कोशिश की मतलब व्हाई डिड आई ट्राई टू गेट इट वाज मतलब से सोशल सेक्टर बोलो या फिर ऐसे ना अल्टरनेटिव ये बोलो ऑप्शन तो फर्स्ट बिकी मैं उसको आई लुक एट इट एज एन अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल मतलब ऐसे नहीं कि मैं कुछ दुनिया से बड़ा कुछ कर रहा हूँ या फिर और कुछ मैं अलग कर रहा हूँ इट्स एन अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल मतलब जैसे वो लाइफस्टाइल है वैसे ही ये लाइफस्टाइल है दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है इसके प्रोज कुछ मेरे को पसंद है उसके प्रोज उनको पसंद है तो लेट देम बी तो बट आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ तो एक पॉजिटिव एनफोर्समेंट से आना मेरे लिए जरूरी था मतलब मेरे को पहले ऐसा था कि आई हैड अ लॉट ऑफ गिल्ट जैसे कि मतलब मैं ऐसे गुड फैमिली में बिलोंग करता हूँ आई हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव अ लॉट तो मेरे को मेरी उनके मेरे पाप धोने के लिए आना है ऐसे था तो आई थॉट कि अगर मैं वो गिल्ट की गिल्ट धोने के लिए अगर ये सब काम करूँ तो आई वोंट लास्ट लॉन्ग मतलब फिर देन दैट वुड बी अ लॉन्ग लास्टिंग ये तो उसके लिए आई हैड टू हैव दिस पॉजिटिव ये कि इट शुडंट जस्ट बी कि मैं कुछ वो नहीं करना इसलिए ये करना हो ये मेरे को नहीं करना That's why I took a long time to decide कि क्या करना है अभी तो I had to have a positive ये तो उसमें मेरे को ये अच्छा लगा क्या है this is an alternative lifestyle ये हो सकता है तो उसके लिए मैंने सोचा फिर बाद में I thought कि एक साल दे ही सकते हैं मतलब एक साल ट्राई करने में कोई भी हेल्प करते हैं तो मैंने किया मैं started working I like it मतलब I love it मतलब अभी तो I am totally loving it so I'm going to stay here तो वो तो है तो that's why I thought कि एक attempt तो करके देखते हैं अपना chance तो करते हैं तो ऐसे है मतलब मेडिकल कॉलेज में कैसे रहता है कि बहुत बबल में रहते हैं अपने 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 ही लोग अपने ही थॉट्स अपने ही विचार सब अपने ही दोस्त वही 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 दोहरा दोहरा के अपने को लगता है कि दिस इज द एंटायर रियलिटी मतलब एंटायर रियलिटी को अपने अपने मेडिकल और अपने इसके कॉलेज के मुताबिक हो जाता है बस उतना ही रियलिटी है इतना अपने को लगने लगता है लेकिन जब आई एम एक्सपोज टू सच एटमोसफियर्स एंड वो फिर जब वो बबल ऐसे थोड़ा तो उसमें क्रैक्स जाते हैं तब देन यू गेट वेरी इनसिक्योर तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं उन बबल को लेकिन बट मेरे को लगा कि ठीक है एक्सपोज करके देखते हैं खुद को क्या होता है एक साल के लिए बबल के बाहर आ जाएंगे बाद में चले जाएंगे तो देखा वो चॉइस ऐसे लगा मेरे को
और दूसरा एक मेजर रीजन ये था कि डूइंग दिस वाज कि फॉर पर्सनली मेरे लिए इट वाज लाइक अ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी जैसे था, पर्सनल लिबर्टी. मतलब उस टाइम पर मैंने वो पढ़ा बुक जस्टिस, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है. तो उसके बाद उसके और भी जाके मैंने ये पढ़े आर्टिकल्स. तो उसमें ऐसे था कि एक उसने बहुत ब्यूटीफुल टर्म यूज किया कि लिबर्टी के, ह्यूमन लिबर्टी के दो तीन ये होते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन लिबर्टी के अगेंस्ट, क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या होते हैं चैलेंजेस फॉर ह्यूमन लिबर्टी. तो उसमें एक तो गवर्नमेंट और वो सब था, और एक था कि टिरनी ऑफ द कॉमन्स. मतलब जो कॉमन अपना अपने फैमिली है, अपने फ्रेंड्स है, अपनी सोसाइटी है, जो उनके ही इससे मतलब जस्ट बाय बीइंग वो अपने को दे ट्राई टू मेक देम लाइक मेक अस लाइक देमसेल्फ. मतलब सबको चाहिए कि सब सोसाइटी एक जैसे रहे, सबको अपने से ये करें और कोई भी खुद का थॉट ना करे. मतलब वो एवोल्यूशनरी लेवल इससे दैट वाज अ बेनिफिशियल स्ट्रेटजी कि एवरीबॉडी थिंक्स अराउंड एंड एवरीबॉडी स्टेज टुगेदर. बट अभी वो जमाने से अपन निकल गए, वो जंगल से निकल गए जहाँ पे अगर झुंड में नहीं रहोगे तो तुम मर जाओगे. तो अभी तो वैसे है नहीं, अभी तो यू कैन सर्वाइव अकेले में, अभी तो कुछ भी जरूरत नहीं है. तो ऐसे मेरे को लगता है कि बाय एंड लार्ज 80-90% ऑफ डिसीजंस आर मेड अप पहले से. तो उसमें अपने को चॉइस नहीं कि तुम कहाँ पैदा होगे, क्या करोगे, तुम्हारे थॉट्स क्या होगे, रिलीजन क्या होगा, कलर क्या होगा, कौन सी कंट्री क्या, इतने सारी चीज़ें हैं. और एक हार्डली 5-10% चीज़ें हैं जो अपने को चॉइस करने के लिए और चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए होता है. एक 5-10% बहुत ही छोटा होता है. और फिर वो भी अपन आउटसोर्स कर दे क्या, मतलब वो तो खुद का देना चाहिए. मतलब वो भी फिर मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे भाभी क्या कर रहे हैं, मेरे रिश्ते घर में क्या बोल रहे हैं, मेरे ये कह रहे हैं. मतलब वो 5% फ्रीडम जो है एटलीस्ट दैट वी कैन एक्सरसाइज ऑन वो. तो ये जब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने जब पढ़ा तो इट वॉज अ शॉकिंग रेवल्यूशन फॉर मी कि मैं अब तक जो लाइफ जी रहा था वो और किसी की थी. मतलब उसमें से एक पिटिशन मैंने खुद का नहीं लिया था. लेकिन मतलब अपन बोलते थे कि हाँ मैंने चूज़ किया मेडिसिन ये वो, लेकिन बारे में किसी को नहीं समझता. एक तो पेरेंट्स ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, इसने बोला, वो बोला, बन गए डॉक्टर. लेकिन इसके आगे क्या करना है ये तो खुद का सोचना चाहिए. 5% में का ये मेजर ये है, वो चंक है, ये जो पीरियड ऑफ आवर लाइफ है कि इसके आगे क्या करना है. तो ये डिसाइड करने के लिए आई नीड टाइम. तो मेरे को लगा कि मेरे को सोचना है के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई नीड टू स्टॉप एंड वेट एंड डिसाइड कि नहीं, सब लोग पीजी कर रहे, मेरे दोस्त भी पीजी कर रहे, मेरे को भी पीजी करना है, ये नहीं करना. तो ये एक रीज़न था. मतलब अभी तो खुद की सोच हो वैसे था, मेरे को ऐसे लगा बहुत हो गया दूसरों का सोच. तो और एक रीज़न था, मतलब और एक मैंने इनको बहुत मस्त पढ़ा था इमैनुअल कांट का उसी बुक में से कि वॉट पार्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स डू यू ओन. ऐसे था कि मतलब यू ओन नथिंग वॉट यू, मतलब जो चीज़ें तुम बोलते हो कि ये मेरा है या फिर मैंने कमाया है या फिर मैं डॉक्टर बन गया, मैं मतलब क्या है, मैं मतलब क्या है. मतलब तुमने ना ही तुम्हारा बर्थ चूज़ किया कि यू गॉट बर्थ इन अ गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो तुमने चूज़ नहीं किया. तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे थे ये चूज़ नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में डाला ये नहीं चूज़ किया, कुछ भी चूज़ नहीं किया. तो आज जो तुम्हारा स्टैंडिंग है सोसाइटी में उसमें बाय एंड लार्ज सोसाइटी ने मतलब तुम्हारे लक ने डिसाइड किया. मेरे सेकेंड वॉज कि मैं मेडिकल में चूज़ हो पाया. उसका मेन रीज़न वॉज कि मेरे को रट्टा मारने में ईजी जाता है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद रखने में ईजी जाता है और मैं एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर सकता. तो ये मेरा एबिलिटी वो भी लार्जली जेनेटिक है. लार्जली बहुत सारे रिसर्चर्स में से पाया गया कि ये बहुत लार्जली जेनेटिक ये है एंडोमेंट से कि ज़्यादा टाइम बैठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम ध्यान रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो जेनेटिक. और थर्ड जो एक है कि माय स्किल्स है जो अभी मतलब डॉक्टर बनने के लिए जो स्किल्स ज़रूरी है वो इस सोसाइटी में ज़रूरी है या फिर दे आर वैल्यूड मोर, ये भी मैंने नहीं कमाया. मतलब जैसे अभी अपने सोसाइटी में देखे जाए कि लार्जली जो हाई पेड ऑक्यूपेशन है उसमें क्या है, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर है. तो शाहरुख खान अगर 500 ईयर्स पहले पैदा होता उसको कुत्ता भी नहीं पूछता. उसको एक्टिंग आती है, एक्टिंग उस जमाने में जरूर भी नहीं थी. इस जमाने में सबका पेट भर गया है, सबको खाना पीना मिल गया है, तो अभी लोगों को मूवीज देखना है. तो मूवीज देखना है इसलिए शाहरुख खान फेमस है, शाहरुख खान अच्छी एक्टिंग करता है इसलिए वो फेमस है. सोसाइटी को मूवीज देखनी है इसलिए सोसाइटी ने बोला कि हाँ तो अच्छा एक्टिंग करता है तो विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी. तो शाहरुख खान ने नहीं कमाया उसका पैसा. तो जो मैं अभी डॉक्टर बन गया वो मेरी डॉक्टर की ज़रूरत अभी सोसाइटी में है, ये मेरी कमाई नहीं है. तो उसका जो स्टेटस है, उसका पैसा है, उसका जो भी है, वो कमाने का हक भी मेरे पास है.
मतलब है लेकिन कितना छोड़ दो ऐसे नहीं लेकिन बहुत लिटिल पार्ट ऑफ इट बाकी सब अपने को सोसाइटी में दिया है तो वी ओवर लॉट लास्ट पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस टू द सोसाइटी एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर सब ही अपने को सोसाइटी को भी वो तो मेरे को समथिंग हैव टू गिव बैक वो तो है और एक मेजर रीजन मेरे को लगता था कि ये यही एज है एक्सपेरिमेंटेशन करने का मतलब एक तो मतलब एज इन बोथ वेज मतलब एक तो 23 साल का हूँ 23 साल में जो फ्रीडम है जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उसके ऊपर ये एज मतलब दिस 21st सेंचुरी का जो एज है मतलब मेरे ग्रैंडफादर को ये ऑप्शन नहीं था कि मैं गढ़चिरौली में जाऊँ या फिर अमेरिका में जाऊँ या फिर बम्बई में जाऊँ मेरे ग्रैंडफादर को सिर्फ दो ऑप्शन थे खेती करूँ या फिर भूखा मर जाऊँ तो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे उससे पहले 100 जनरेशन को सिर्फ यही ऑप्शन था कि यू ईदर डू व्हाट योर फादर हैज बीन डूइंग और यू डाई और अपने को इतने ऑप्शन हैं तो व्हाई नॉट यूज दैट लिबर्टी यूज है ना मतलब जैसे राइट ऑफ इंडिविजुअलिज्म हुआ उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हुई लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई तो जो अच्छी चीज़ें हैं वाई नॉट ग्रास्प तो वो मेरे को लगा कि ऐसे दो है और एक चीज़ अगर मेरे को बहुत पढ़ के हो गया था तो एक ब्रेक भी लेना था कि बहुत पढ़ेगा मतलब कितना पढ़ेंगे तो और फिर राइट रेस से भी ब्रेक लेना था कि सिर्फ अगर जैसे भागो 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 कोई तो बोल रहा है भागो भागो तो मैंने बोला भी नहीं किसी ने भी नहीं बोला भागे हो फिर भी भाग रहे तो और एक जो रीजन कल हुई थी बोला कि यूजी का कुछ तो करना चाहिए मतलब सिर्फ पीजी करने के लिए यूजी नहीं करते मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए इसलिए सेकंड में नहीं गए तो वैसे तो करते ही आ रहे हैं अभी यूजी हो गया अभी कितना आगे जाएंगे कुछ तो सोचना चाहिए तो और एक रीजन था मेरे को कि मैं बोर हो गया था लाइफ में मतलब ऐसे कॉलेज और मतलब बेसिक रीज़न मैंने निर्माण का फॉर्म भरा इसका प्राइमरी रीज़न ये था कि मैं मेरे कॉलेज के दोस्तों से बोर हो चुका नो ऑफेंस टू देम बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन मैं बोर हो गया था मतलब वही वही सपने वही वही है सब कुछ भी नया नहीं था वो हो गया था फिर मतलब एक ऐसे था कि जो इफ यू वांट आपको देखना है कि आपका आगे का लाइफ कैसे होगा या फिर आप जिस बात पे हो तो यू लुक एट समवन हु हैज बीन ऑन द सेम पाथ मतलब वैसे आपके सीनियर्स को देखो जो 10 साल बाद क्या कर रहे हैं मतलब मेरे सीनियर्स को मैंने देखा जो यूजी उधर ही किए थे 2 साल रिपीट किए फिर पीजी उधर ही लगे फिर उधर ही रेजिडेंट लगे 10 साल के बाद वही उनके वही झंझट इंटर्न आए कि नहीं खाना खाया कि नहीं फिर वो क्या कि नहीं कितने पेशेंट आए ब्रेमार का कितना पैसा मिला ये वो ये जो फ्यूचर गोल्स हैं जो जिस पाथ में मैं हूँ वो फ्यूचर गोल्स मैं तो नहीं करूँ तो फिर मैं वही पाथ पे जाके क्या मतलब इफ़ आई वॉन्ट टू बी मतलब इफ आई एम गोइंग टू बी ऑन द सेम पाथ आई एम गोइंग टू रीच द सेम डेस्टिनेशन मेरे को वो डेस्टिनेशन मेरे को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता तो व्हाई शुड आई गो ऑन द सेम पाथ तो ये एक मेरे को लगा और एक फिर एक और एक रीजन था कि ऐसे मैं जेफ बेजोस का एक नाइस आर्टिकल पढ़ा था उसमें उसने बताया था कि हाउ ही टेक्स डिसीजन तो उसमें एक ऐसे फ्रेमवर्क बताया कि रिग्रेट मिनिमलाइजेशन फ्रेमवर्क कि व्हाट इज टेक द डिसीजन व्हिच यू विल रिग्रेट द लीस्ट 30 इयर्स डाउन द लाइन 30 इयर्स डाउन द लाइन व्हेन आई सिट डाउन आई लुक बैक एट माय लाइफ आई डोंट वांट टू बी ऐसे कि अरे यार वो एक साल करता तो मेरा लाइफ पूरा अलग हो जाता और मैंने वो लिया नहीं क्योंकि मेरे को डर लग रहा था एक साल वेस्ट हो गया तो वो नहीं करना था मुझे तो मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जीना है तो फिर ऐसे करना है तो और एक फिर बाय एंड लार्ज ऐसे एकदम एक लार्ज पिक्चर पर मेरे को ऐसे लगा कि जैसे अपने को जैसे ह्यूमन्स होता है ह्यूमन्स का ब्रेन ऐसे लगता है कि अपन बहुत होशियार है लेकिन बहुत मिनिमल इंस्टिंक्ट्स और मिनिमल इस पर चलते रहते हैं अपना ह्यूमन का ब्रेन तो सबको ऐसे स्टोरीज चाहिए होती है एवरीबडी वॉन्ट लाइक स्टोरीज मतलब किसी को भी तुमको मोटिवेट करना है किसी को भी फंसाना फुसाना है यू नीड स्टोरी यू नीड गुड स्टोरी और खुद को भी फंसाने फुसाने के लिए मतलब एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज फिक्शन मतलब सब स्टोरीज है मतलब मेरा स्टोरीज मैं प्रीवियस डॉक्टर हूँ मेरे प्रीवियस जॉब डिग्री को फिजिकल रियलिटी में कुछ भी नहीं है पेज ऑफ पेपर अगर फाड़ के फेंक दिया तो मेरा कुछ रियलिटी नहीं तो इट्स अ स्टोरी कि हाँ लोगों ने चूज़ किया लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ये बच्चे को अगर ये सिखाया ये आया तो मतलब ये MBBS डिग्री है तो एवरी थिंग इज अ स्टोरी तो अपनी लाइफ भी मतलब द लार्ज पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन कम फ्रॉम द स्टोरीज वी चूज टू टेल आवर सेल्फ मतलब अपन खुद को क्या क्या स्टोरीज बताते हैं और कैसे ये करते हैं उस पर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तो मेरे को ऐसा था कि मैंने मतलब तो ऐसा था कि
अभी मतलब बहुत कंफ्यूजन था कि क्या करूँ क्या करूँ करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, मतलब इतना बाकी लोग कुछ लोग बहुत ईजी डिसीजन था, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन डिसीजन था क्योंकि मैं वो उसमें गया ही नहीं था, मैं बचपन से यही एज में ही था, तो वो था। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने एक स्पीच देखा था बिल गेट्स का, बिल गेट्स का स्पीच था, उसमें उसने बताया था कि ऐसे 3 पॉइंट्स बताए थे उसने, तो उसमें था कि उसने वो मैकिंटोश कंप्यूटर डेवलप कर, बीच में वो सब कॉलेज वाले छोड़ दिया था उसने, फिर बाद में वो उधर गया था, वो उसने कोई टेलीग्राफी क्लास ज्वाइन किया था, टेलीग्राफी क्लास ज्वाइन किया था, तो उसने स्टीव जॉब्स, तो उसका वो टेलीग्राफी क्लास का उसने मैकिंटोश में उसके फॉन्ट्स डेवलप करने में उसको बहुत हेल्प हुआ, अगर वो क्लास नहीं जाता तो मे बी अपने कंप्यूटर में इतने फॉन्ट्स नहीं होते, तो उतना आइडिया उसको आया, फिर उसने वो क्लास ज्वाइन किया था। तो उसका कहना ये था कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, मतलब अभी बोल नहीं सकते कि मैं 70 ईयर्स होगा तब मेरा ऐसे ऐसे ये रहेगा, फिर मेरा वो रहेगा, वैन यू लुक बैक यू कैन ईजिली कनेक्ट द डॉट्स, मतलब जैसे अगर आपने किसी को भी पूछा गया कि भाई 11 12 में तेरा कैसा था स्टोरी, तो अभी वी कैन पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर कि अरे मैं ऐसे था, फिर मैंने ऐसे किया, मजे किए, ये किए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में 11 12 में सबकी फटी थी, तो यू कैन ओनली टेल द स्टोरी ऐसे लुकिंग बैकवर्ड्स। तो अभी ज्यादा इतना स्ट्रेस लेके कि अरे मैं स्टोरी कैसे रहेगी, फिर मैं 2 ईयर्स में क्या रहूंगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब यू हैव टू से नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन क्या है वो ले लो, जंप इन, एंड इवेंचुअली 50 ईयर्स में यू विल बी एबल टू वेरी इजीली कनेक्ट द डॉट्स, हाँ मैंने ये किया इसलिए मैंने ये हुआ, लेकिन अभी आगे जाके क्या होगा कैसे होगा इसका ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, तो वो होता नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये है, तो फिर हाँ, तो बेसिकली मेरे को ऐसा था कि मेरे को पता नहीं मैं कितना ऐसे, मतलब मेरे को रूरल हेल्थ में काम करना है इतना, तो मेरा डिसीजन हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन फिर मैं कैसे करूँगा, मेरा इफेक्ट रहेगा कि नहीं, फिर मैं सब्सिडी करूँगा क्या, फिर हेल्थ केयर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल पाएगा क्या, या फिर सब जगह मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो ये मेरे को नहीं पता मेरे हाथ से कितना काम होगा वो भी नहीं पता, लेकिन ऐसे बाय एंड लार्ज मेरी स्टोरी, मैंने डाया 85 में, मैं जब मर रहा हूँ, जब मैं खुद को खुद की स्टोरी बोल के फुसला रहा हूँ कि हाँ तेरे लाइफ में ऐसे था, तो आई वॉन्ट टू बी एबल टू टेल दैट स्टोरी टू मी कि हाँ हेल्थ केयर सिस्टम ब्रोकन था, बट आई वॉज ऑन द साइड ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट ऑन द साइड ऑफ द प्रॉब्लम, बस दैट इज इनफ। तो मेरे को इतना था कि बस दैट स्टोरी आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ एट 60 या फिर जब भी मरूंगा, तो दैट टाइम आई बी सैटिस्फाइड, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो जस्ट बीइंग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन इतना इज इनफ फॉर मी, और फिर बाद में बाकी क्या होगा, मेरे हाथ से क्या होगा, कितनी बड़ी चीज़ें हो गई, तो मतलब मेरे हाथ में तो है, लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन में लक लक है और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा अपना हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन टू बी बिल्ड ऑन योर ओन स्टोरी, ऐसे रहेगा यू डिल्यूड योर सेल्फ, बट बाय लार्ज स्टोरीज ही होती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और दैट्स व्हाई आई चूज